Now, we will discuss the concept of odd and even functions. ठीक है, तो odd function क्या है? Odd function की definition क्या है कि अगर हमारा function fx है, अगर function में हमने जो हमारा input है वहाँ x की जगह minus x रखा और हमारा final output minus times fx आया, तो हम function को odd function कहेंगे। इसी तरीके से अगर हमारा फंक्शन एफ एक्स है और उसमें हमने इनपुट में एक्स की जगह माइनस एक्स रखा और एफ एक्स ही वापस आ गया सिंप्लीफाई करने के बाद, तो हम उसे कहेंगे इवन फंक्शन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू लेट से एक्स स्क्वायर, तो अब अगर हम एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो क्या आएगा? माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर ही आएगा, मतलब ये तो एफ एक्स ही आ गया वापस। एफ माइनस एक्स रखने तो क्या आया? एफ एक्स आया, मतलब ये जो फंक्शन है ये क्या है? ये इवन फंक्शन कहलाएगा। इसी तरीके से लेट से एफ एक्स है एंड दैट इज एक्स क्यूब, तो अगर एफ एक्स की जगह माइनस एक्स रखते हैं तो क्या होगा? माइनस एक्स का क्यूब, विच इज वॉट? माइनस एक्स क्यूब, पर एक्स क्यूब तो एफ एक्स था, यानी क्या आ रहा है? माइनस ऑफ एफ एक्स आ रहा है, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा? ऑड फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब इवन फंक्शन और फंक्शन का मतलब क्या है? इवन फंक्शन का मतलब होता है एस, अगर हमारा फंक्शन इवन है तो देन इट विल बी सिमेट्रिकल, इट विल बी सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, मतलब जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे इस फंक्शन का तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, मतलब जो पार्ट वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड होगा उसका एग्जैक्ट रेप्लिका राइट साइड पे होगा। और अगर हमारा फंक्शन ऑड है तो दिस फंक्शन, ऐसा फंक्शन क्या होगा? सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, मतलब जो हमारा ग्राफ होगा फंक्शन का फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जैक्टली उसका रेप्लिका होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और अगर हमारा फंक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में तो उसका रेप्लिका होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो जैसे अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अगर हम ग्राफ बनाएं तो हमारा ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे बनता है, दिस इज y, दिस इज x, इसका मतलब देखिए ये y एक्सिस के बहुत सिमेट्रिकल है, जो जैसी शेप इसकी y एक्सिस के लेफ्ट साइड है एग्जैक्टली वैसी राइट साइड पे। ठीक है, ऐसे ही अगर हम y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का बनाएंगे तो क्या होगा? ये ग्राफ ऐसे बनेगा। तो चेक करिए जो ग्राफ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है एग्जैक्ट उसका रेप्लिका क्या है? ओरिजिन के अबाउट ये सिमेट्रिकल है, मतलब ओरिजिन के अबाउट इसको रिफ्लेक्ट करेंगे एग्जैक्ट रेप्लिका आएगा। तो ये फंक्शंस होते हैं ऑड इवन। फॉर टाइमिंग बस हमको इतना ही समझना है और इसको अब हमें चेक करना है कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने पढ़े हैं वो ऑड हैं कि इवन हैं। ठीक है, तो लेट्स से वी स्टार्ट आउट विद साइन एक्स। तो अगर हमारा फंक्शन साइन एक्स है तो हमें पता है कि साइन, अगर हम एफ माइनस एक्स निकालें तो क्या होगा? साइन ऑफ माइनस एक्स, लेकिन साइन तो माइनस साइन क्या करता है? बाहर कर देता है, तो माइनस साइन एक्स आया, विच इज वॉट? माइनस एफ एक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि साइन एक्स फंक्शन क्या हो गया हमारा? ऑड फंक्शन हो गया। ठीक है, सिमिलरली एफ एक्स क्या है? अगर हम कॉस एक्स लेते हैं तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? कॉस ऑफ माइनस एक्स, पर कॉस तो माइनस एक्स माइनस को एब्जॉर्ब करता है, यानी कॉस एक्स ही कर देगा, यानी वो तो एफ एक्स ही वापस आ गया। इसका मतलब कॉस एक्स क्या है? इवन फंक्शन है। सिमिलरली अगर हम टैन एक्स की बात करें, लेट से एफ एक्स इज टैन एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स चेक करें क्या आएगा? टैन एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, पर ये तो बाहर थ्रो करेगा, यानी माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया। तो ये तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये क्या है? ऑड फंक्शन है। सिमिलरली अगर हम एफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स चेक करें तो एफ ऑफ माइनस एक्स रखने पे क्या आएगा? कोसेक ऑफ माइनस एक्स, दैट इज माइनस कोसेक एक्स, यानी माइनस एफ एक्स, ये भी क्या है? ऑड फंक्शन। ऐसे ही अगर हम एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स चेक करें तो क्या होगा? एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा? सेक ऑफ माइनस एक्स, पर सेक को एब्जॉर्ब कर लेता है तो सेक एक्स ही आएगा, विच इज एफ एक्स, यानी ये भी क्या है? ये इवन फंक्शन है। एंड लास्ट एफ एक्स अगर हमारा कॉट एक्स है तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? कॉट में माइनस एक्स रखेंगे, लेकिन माइनस ये बाहर कर देता है, माइनस कॉट एक्स, विच इज सेम एज माइनस ऑफ एफ एक्स, यानी ये क्या है? ये ऑड फंक्शन है।
इससे हमें क्या पता लगा कि हमारे साइन एक्स और कोसेक एक्स, टैन एक्स और कॉट एक्स, ये तो ऑड हैं, कॉस एक्स और सेक एक्स आपके इवन फंक्शन हैं। मतलब जब हम इनके ग्राफ्स पढ़ेंगे तो हम ये पाएंगे कि साइन एक्स, कोसेक एक्स, टैन एक्स और कॉट एक्स सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है और कॉस और सेक एक्स हमारे सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्स है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल डिस्कस इज पीरियोडिक फंक्शन। एक्चुअली ऑड इवन फंक्शन से पीरियोडिक फंक्शन हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे व्हेन वी स्टडी फंक्शन। अभी तो सिर्फ हम उतना पार्ट देख रहे हैं जो हमारे यूज का है ट्रिग्नोमेट्री में। तो पीरियोडिक फंक्शंस की डेफिनेशन क्या है? अ फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी पीरियोडिक, इज सेट टू बी पीरियोडिक इफ देयर एग्जिस्ट, इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर टी विच इज ग्रेटर देन जीरो such that fx plus t is equal to fx for all x, ठीक है। एंड पहले लिख लेते हैं, इफ t इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर such that एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स, देन टी इज कॉल्ड द फंडामेंटल पीरियड, इज कॉल्ड द फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, तो पहले तो डेफिनेशन समझते हैं क्या है। A function is said to be periodic if there exists a real number t which is greater than 0 such that fx plus t is equal to fx for all x. क्या मतलब है? कि अगर हमारे पास कोई function fx है और एक कोई real number t है जो कि positive होना चाहिए, तो अगर हम अपने input में x plus t देते हैं और हमको वापस fx मिलता है, मतलब हमें जो हमारे outputs हैं, हमारे outputs after a certain interval repeat होने लग जाए, तो हम ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे? पीरियोडिक फंक्शन। अब अगर हमें ये टी मिल गया तो ये फंक्शन पीरियोडिक होगा। अगर जो टी की वैल्यू होगी उस वो जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी, मतलब टी एक वैल्यू नहीं होगी, टी की कई वैल्यूज होंगी फॉर विच फंक्शन पीरियोडिक होगा, तो जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी टी की सच दैट एफ एक्स प्लस टी एफ एक्स के बराबर आ रहा होगा, तो ऐसे टी को हम फंक्शन का क्या बोलेंगे? फंडामेंटल पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम कहें साइन एक्स की बात करें, वाई इक्वल टू साइन एक्स, अब हमको पता है, हमने अलाइड एंगल्स वगैरह पढ़े थे, तो हमको पता है कि अगर हम साइन पाई प्लस एक्स करते हैं तो हमको क्या मिलता है? माइनस साइन एक्स। अब ये हमारा एफ एक्स है, तो हमने क्या किया, ये चीज़ क्या है, एफ एक्स प्लस पाई, मतलब फंक्शन में हमने क्या इनपुट दिया, एक्स की जगह एक्स प्लस पाई दिया, तो एक्स की जगह हमने क्या लिख दिया, एक्स प्लस पाई, और हमको क्या मिला, माइनस साइन एक्स, विच इज वॉट, माइनस ऑफ एफ एक्स। तो हमें एफ एक्स प्लस पाई क्या मिला, माइनस एफ एक्स मिला, पर हमको तो ये नहीं चाहिए, हमको तो एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स चाहिए। ठीक है, अच्छा अगर हम यहाँ पे साइन टू पाई प्लस एक्स करें तो क्या होगा, टू पाई मतलब क्या हो गया, 360, साइन ऑफ 360 प्लस थ्री प्लस एक्स, तो अलाइड एंगल्स में हमने पढ़ा था दिस इज 19 into 4, अब 4 तो इवन है, तो इवन है तो ये जो फंक्शन है वो रिटेन हो जाएगा, साइन एक्स रहेगा। क्वाड्रेंट चेक करिए, 360 प्लस एक्स मतलब ये 360 है, प्लस एक्स मतलब कहाँ पहुँच गए, फर्स्ट में, और फर्स्ट में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते, तो ये क्या आएगा, प्लस साइन एक्स। यानी ये चीज़ क्या है, एफ टू एफ एक्स प्लस टू पाई लिख सकते हैं, मतलब फंक्शन में हमने क्या इनपुट दिया, हमारा फंक्शन साइन एक्स था, तो यहाँ x है तो यहाँ x है, यहाँ x प्लस टू पाई लिखा, मतलब हमने फंक्शन में क्या इनपुट दिया, x प्लस टू पाई इनपुट दिया। ठीक है, और हमको आउटपुट क्या मिला, हमको आउटपुट क्या मिला, साइन x, मतलब क्या मिल गया, एफ एक्स, यानी एफ एक्स प्लस टू पाई क्या मिला हमें, एफ एक्स मिल गया। इसका मतलब जो भी हमारा आउटपुट था x पे, अगर हम उसमें टू पाई ऐड करते रहेंगे तो हमको वापस वही आउटपुट मिलता रहे।
जैसे अगर हम कहें कि साइन लेट से 30 डिग्री वैल्यू से, तो वैल्यू हाफ। अब अगर हम कहें साइन 390 की वैल्यू क्या है, तो क्या लिख सकते हैं इसे, 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब चेक करिए ये क्या हुआ, दिस इज 2 पाई प्लस 30, और अभी हमने देखा साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, मतलब हमें फिर से क्या वैल्यू मिली, साइन 30, मतलब फिर से हमें क्या आउटपुट मिलेगा, हाफ। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो 2 पाई है, 2 पाई इस फंक्शन का क्या है, पीरियड है, मतलब अगर हम अपने इनपुट्स में 2 पाई ऐड करते रहेंगे तो हमको वापस वही आउटपुट मिलते रहेंगे। जैसे अगर हम यहाँ साइन 60 लिखें, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, रूट 3 बाई 2। अब हम क्या करें, 2 पाई प्लस 60 बोले तो भी हमारा आउटपुट क्या रहेगा, साइन 60 रहेगा, मतलब फिर से हमको क्या आउटपुट मिलेगा, रूट 3 बाई 2। इनफैक्ट अगर हम साइन 2 पाई की जगह 4 पाई ऐड करें तो क्या होगा, तो भी हमें क्या आउटपुट मिलेगा, साइन 60 ही मिलेगा। अगर हम 4 पाई की जगह साइन 6 पाई ऐड करें तो भी हमको क्या मिलेगा, साइन 60 ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे आउटपुट क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, 60 डिग्री पे भी वही आउटपुट मिल रहा है, साइन 60 की भी वही वैल्यू है, साइन 420 की भी वही वैल्यू है, साइन 780 की भी वही वैल्यू है, मतलब हमारे इनपुट्स एक सर्टेन इंटरवल के बाद वापस वही आउटपुट देने लगेंगे। तो अगर कोई कहे कि 2 पाई इसका पीरियड है तो आप कहेंगे हाँ, अगर कोई कहेगा 4 पाई इसका पीरियड है तो आप कहेंगे हाँ, 6 पाई इसका पीरियड है तो हाँ, 8 पाई है तो हाँ। तो ऐसे तो ये सारे वैल्यूज क्या हैं, इसके पीरियड है, लेकिन इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, इसकी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या आई है, वो 2 पाई आई, जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू आई है जिस पे ये पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन होल्ड कर रहा है वो क्या है, वो तो 2 पाई है। तो ये इसका क्या कहलाएगा, ये इसका फंडामेंटल पीरियड कहलाएगा, फंडामेंटल पीरियड। ये सारे वैल्यूज इसके पीरियड हैं, लेकिन इसकी फंडामेंटल पीरियड की वैल्यू क्या है, 2 पाई। तो ऐसे ही अगर अब हम cos x की बात करें तो cos x में भी हमें पता है cos 360 प्लस x करेंगे तो क्या आएगा, cos x वापस आ जाएगा, मतलब fx प्लस 2 पाई करें तो क्या आ रहा है, fx ही आ रहा है, यानी cos x का भी पीरियड क्या है, 2 पाई है, और ये इसका क्या है, फंडामेंटल पीरियड है, क्योंकि 4 पाई अगर ऐड करते हैं यहाँ पे तो भी fx ही आएगा, 6 पाई ऐड करें तो भी आएगा, 8 पाई करें तो भी आएगा, पर फंडामेंटल पीरियड क्या है, फंडामेंटल पीरियड इसका भी 2 पाई है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम tan x की बात करें तो क्या करें, tan x में क्या ऐसा जोड़ें जिससे वापस tan x ही आ जाए, तो ध्यान करें tan अगर पाई प्लस x करते हैं, एलाइड एंगल्स में पढ़ चुके हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 इंटू 2 प्लस x। अब ये इवन है, n इवन है, तो क्या आएगा, tan x ही आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में है ये एंगल, 90 इंटू 2 इज 180, 180 प्लस x मतलब थर्ड, और थर्ड में tan की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, तो tan x ही आ गया, यानी f x प्लस पाई की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, एफ एक्स के बराबर, अगर ये एफ एक्स है हमारा, यानी इसका मतलब ये पाई क्या हो गया, पीरियड हो गया tan x का, और पाई इसका क्या कहलाएगा, फंडामेंटल पीरियड, ठीक है ना। अगर 2 पाई प्लस x करेंगे तो भी एफ एक्स ही आएगा, 2 पाई प्लस tan 2 पाई प्लस x भी क्या होगा, tan x ही होगा, 3 पाई प्लस x भी क्या होगा, tan x ही होगा, लेकिन इसका फंडामेंटल पीरियड क्या है, पाई, ठीक है। मतलब tan में जो भी आउटपुट आपको मिल रहे हैं अगर उसमें हम पाई ऐड करते रहेंगे तो वापस हमको वही आउटपुट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही अगर हम एफ एक्स इज इक्वल टू लेट से कोसेक एक्स चेक करें, ये भी क्या होगा, ये भी इसका पीरियड भी क्या होगा, 2 पाई प्लस x करें तो देखिए कोसेक एक्स ही आएगा, यानी इसका भी पीरियड क्या है, 2 पाई, और फंडामेंटल पीरियड 2 पाई है, 4 पाई भी इसका पीरियड होगा, 6 पाई भी होगा, 8 पाई भी होगा, लेकिन फंडामेंटल पीरियड क्या है, 2 पाई। सिमिलरली एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स ट्राई करें, वो भी क्या होगा, सेक 2 पाई प्लस x करें तो सेक एक्स आ जाता है, कि इसका फंडामेंटल पीरियड क्या है, 2 पाई sec x का। एंड लास्ट हमारा है cot x, cot x का आपका tan x की तरह चलेगा, cot दिस वुड बी cot पाई प्लस x करें तो देखिए क्या आएगा, 90 इंटू 2, 2 इवन है तो cot हो गया cot x, और 180 प्लस मतलब थर्ड में cot पॉजिटिव होता है, मतलब इसका पीरियड क्या है, पाई, और इसका फंडामेंटल पीरियड भी क्या है, पाई। तो
अब हम समराइज कर सकते हैं कि अगर हमारा फंक्शन साइन एक्स है, इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? वी आर बेसिकली कंसर्न विद फंडामेंटल पीरियड। इसके मल्टीपल्स जो होंगे वो भी सब पीरियड कहलाएंगे, लेकिन फंडामेंटल पीरियड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 2π। कॉस एक्स क्या है? इसका भी फंडामेंटल पीरियड 2π। टैन एक्स, इसका फंडामेंटल पीरियड 5। इसी तरह यहाँ कॉट एक्स हो जाए, उसका भी फंडामेंटल पीरियड 5। सेक एक्स हो जाए, उसका फंडामेंटल पीरियड 2π। और यहाँ कोसेक एक्स हो जाए, इसका भी फंडामेंटल पीरियड 2π। इस पीरियड का इम्पोर्टेंस ये है कि अगर हम 2π इंटरवल के जो इनपुट्स हैं उसका ग्राफ बना लें, बस उसको हमें क्या करना है आगे चल के, कॉपी पेस्ट करना है। क्यों? 2π के बाद क्या होगा, फिर से वो रिपीट होने लग जाएंगे आउटपुट, जो आपको स्टार्टिंग में आपको आउटपुट्स मिले 0 से लेके लेट से 2π तक जो भी आउटपुट हैं। अब इसके बाद क्या होगा, ये सारे आउटपुट फिर से क्या होंगे, रिपीट हो जाएंगे। फिर 2π डिस्टेंस के बाद क्या होगा, फिर रिपीट हो जाएंगे। यहाँ पे अगर पीछे जाएं तो यहाँ भी 2π के बाद सारे रिपीट होते चले जाएंगे। तो पीरियोडिसिटी का ये फायदा होगा कि अगर हम एक पीरियड का ग्राफ बना लें, वही ग्राफ हम क्या करेंगे, सारे दो दो, अब जैसे इसका 2π फंडामेंटल पीरियड है, उसमें हम रेप्लीकेट करते रहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली बस हमको अभी इतना समझना है कि हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो सब पीरियोडिक हैं, दे ऑल आर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक। और पीरियोडिक का मतलब क्या है, उनके इन आउटपुट एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट होने लग जाएंगे, सारे आउटपुट आपको दोबारा मिलेंगे फिर एक सर्टेन इंटरवल। वो इंटरवल क्या है, 2π। कोसेक और साइन के लिए 2π, सेक और कॉस के लिए 2π, कॉट और टैन के लिए 5, मतलब पाई इंटरवल के बबाद वो रिपीट होने लग जाएंगे आउटपुट। सेक और कॉस, साइन और कोसेक में 2π इंटरवल के बाद सारे आउटपुट्स आपको वापस मिलने लगेंगे, ठीक है।